एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स की एक और वीडियो लेकर के हम इस सीरीज में आपके सामने हाजिर हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डेक्कन राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने संथल रिवोल्ट को और इंडिगो रिवोल्ट को डिस्कस किया था। तो संथल रिवोल्ट जो कि दो भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सिंधु और कन्हू के द्वारा साहिबगंज से, और इसी अपराइजिंग से इंस्पायर हुए थे मंगल पांडे। और इसके बाद में हमने इंडिगो रिवोल्ट को डिस्कस किया था, ये भी दो भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक का नाम था विष्णु चरण विश्वास और दूसरे का नाम था दिगंबर विश्वास। तो आज हम डेक्कन रिवोल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 19th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ है, इसमें ब्रिटिश ट्रेडर्स ने डेक्कन से रॉ कॉटन खरीदना बंद कर दिया। इस समय उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रॉ कॉटन जो है खरीदना स्टार्ट किया, और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि डेक्कन में जो पीजेंट्स हैं वो साहूकार और महाजन के कंट्रोल में आ जाएंगे। साहूकार्स और महाजन्स ने डेक्कन में ज़मीनें खरीदी हुई थी ताकि वो यहाँ से रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन ये वो समय था जिस समय यहाँ से, यानी इंडिया से, कॉटन का जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया था, और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि साहूकार और महाजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड रिवेन्यू किसान से ले रहे थे। इस वजह से किसान जब रिवेन्यू नहीं दे पाता है तो उसे अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये वो परिस्थितियाँ बन गई थी जिस वजह से एक और पीजेंट अपराइजिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड दिस मेजर पीजेंट अपराइजिंग वॉज सपोर्टेड बाई अ ट्राइबल ग्रुप नेमली भील ट्राइब। तो भील ट्राइब इस रिवोल्ट को सपोर्ट करेगी, और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि डेक्कन में लार्ज स्केल मासेकर होता है, जिस वजह से ब्रिटिश अथॉरिटीज को एक कानून लाना पड़ता है जिसे कहा जाता है डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1879। और इस कानून के जरिए, इसके प्रोविजंस के जरिए, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके दी लोकल इनहेबिटेंट्स को, जो वहां के रहने वाले लोग थे उनको, ऑन नॉमिनल रेट्स, एंड दैट सेटिस्फाइड द पीजेंट्स एंड रिवोल्ट केम टू एन एंड। तो सो डियर फ्रेंड्स, डेक्कन राइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो डेक्कन राइट्स आपको देखने को मिलेगा, इट वॉज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। और इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिलेगा दैट ब्रिटिश ट्रेडर्स वॉट दे डिड, दे स्टॉप्ड परचेजिंग रॉ कॉटन फ्रॉम डेक्कन, दे स्टॉप्ड परचेजिंग वॉट रॉ कॉटन फ्रॉम डेक्कन। और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ के जो पीजेंट्स हैं डेक्कन के, दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ साहूकार्स एंड महाजन्स। ये साहूकार और महाजन हैं, इनके बारे में मैंने पहले भी आपको कहा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े पैचेस ज़मीन के खरीद के रखे थे ताकि कॉटन को एक्सपोर्ट करके इनको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो ये कॉटन को एक्सपोर्ट किया करते थे रॉ कॉटन को। और इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में यहाँ पर कॉटन का जो एक्सपोर्ट है इट डिक्लाइन, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे दे स्टार्टेड परचेजिंग कॉटन फ्रॉम अफ्रीका। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जब कॉटन का एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा तो ये साहूकार और महाजन जो है दे स्टार्टेड कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, और लैंड रिवेन्यू ज़्यादा जब ये लेंगे तो किसान जो है, पीजेंट्स जो होंगे, वो रिवेन्यू नहीं दे पाएंगे। सो दैट दे गॉट इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, तो वो इविक्ट हो जाएंगे, उनको अपनी ज़मीन से हाथ धोने पड़ेंगे इन किसानों को। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा ए मेजर पीजेंट अपराइजिंग वॉज सीन इन डेक्कन, दिस अपराइजिंग वॉज सपोर्टेड बाई अ ट्राइबल ग्रुप, दिस ट्राइब इज भील ट्राइब। भील ट्राइब इस अपराइजिंग को सपोर्ट करेगी, कहाँ पर, डेक्कन में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग अथॉरिटीज़ के खिलाफ में, साहूकार्स और महाजन्स के खिलाफ में भी आपको देखने को मिलेंगे, एक रिवोल्ट करेंगे। और जिस रिवोल्ट के खिलाफ में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये पीजेंट्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स दे गॉट मासेकर्ड, उनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को एक कानून लाना पड़ता है, जिस कानून का नाम है डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट। तो ये 1879 में लेकर के आएंगे ये कानून, और इस कानून के जरिए व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड, दे डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड्स
किसके बीच में, किसको देंगे ये जमीन? टू लोकल इनहेबिटेंट्स, जो यहाँ के लोग थे उनको ये जमीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन नॉमिनल रेट्स, बहुत कम पैसे में। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा दैट पीजेंट्स गॉट सेटिस्फाइड, यहाँ के किसान जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे, एंड दिस डेकन राइट और भील अपराइजिंग दिस केम टू एन एंड इन डेकन। तो ये आपको सेकेंड हाफ ऑफ 19th century में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये डेकन में भी आपको अपराइजिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्रिटिश अथॉरिटीज एक नया कानून लेकर के आएंगे, ठीक है, दिस इज डेकन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट। अब इसके बाद में हम बात करेंगे छोटा नागपुर रीजन में, यानी छोटा नागपुर रीजन में भी एक और अपराइजिंग, क्योंकि छोटा नागपुर में जब हम संथल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने बात की थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, जमींदार्स हैं, ठीक है, उनका इंटरफेरेंस हो रहा था ट्राइबल कल्चर में, उस वजह से ट्राइब्स जो थी दे वर फोर्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट देम एंड दे वर कलेक्टिवली टर्म्ड एज डिकूज मीन्स आउटसाइडर्स। तो यहाँ पर भी आपको एक रिवोल्ट देखने को मिलेगा फिर से बाय द एंड ऑफ 19th century। तो 19th century खत्म होते होते छोटा नागपुर में एक और रिवोल्ट होगा, ठीक है, जिस रिवोल्ट का नाम है मुंडा रिवोल्ट या मुंडा अपराइजिंग, जिसे आप कह सकते हैं। और ये रिवोल्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, दैट रिवोल्ट वॉज लेड बाई बिरसा मुंडा, दिस इज मुंडा रिवोल्ट और मुंडा अपराइजिंग, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? छोटा नागपुर रीजन में, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था फिर से वो मैंने आपको डिस्कस करके बोला कि जो संथल्स के टाइम पे आपको पढ़ाया था सेम चीज़, ट्राइबल्स के कल्चर में इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा आउटसाइडर्स का, डिकूज का, जिस वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो रिवोल्ट करेंगे। एंड दिस रिवोल्ट वॉज लेड बाई बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे ये 20 वर्ष के थे इस समय, और कहा जाता है कि ही गॉट डिवाइन ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो इनको एक डिवाइन ऑर्डिनेंस मिलता है, ठीक है, जिसके जरिए ये क्या करते हैं कि लोगों को कलेक्ट करते हैं। डिवाइन ऑर्डिनेंस का मतलब है कि जस्ट लाइक कहा जाता है कि ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप ब्रिटिशर्स और आउटसाइडर्स जो भी हैं उनके खिलाफ में रिवोल्ट स्टार्ट करिए, एंड ही वॉज गिवन सम सुपर नेचुरल पावर्स बाई ठाकुर जी। तो कहा जाता है कि भगवान इनके पास आए तो उन्होंने इनको कुछ सुपर नेचुरल पावर्स दी, कुछ शक्तियाँ दी, और कहा कि जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो भी डिकूज हैं, उनके खिलाफ में आप रिवोल्ट स्टार्ट करिए। तो ये रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में रिवोल्ट स्टार्ट होता है। और ये लोग रिवोल्ट के लिए एक टर्म जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ उलगुलन। तो रिवोल्ट होता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। यहाँ पर मुंडाज जो है आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेडिशनल वेपन से ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लड़ेंगे, और इस रिवोल्ट के टाइम पे बिरसा मुंडा जो है उन्हें अरेस्ट कर देती है ब्रिटिश अथॉरिटीज़, और उनकी डेथ हो जाती है ब्रिटिश कैप्टिविटी में ही इलनेस की वजह से। और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि स्लोली स्लोली ये रिवोल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये रिवोल्ट ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन बिरसा मुंडा का नाम जो है इट बिकेम ए हाउस होल्ड नेम, काफ़ी मतलब चित परिचित नाम हो गया इनका इस रिवोल्ट के टाइम पे। सो मुंडा रिवोल्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ 19th century। दिस रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर ये रिवोल्ट होगा। अब देखिए एग्जैक्टली ये जो मुंडा रिवोल्ट है इट स्टार्टेड इन 1899, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे जो डिकूज हैं वो आर आउटसाइडर्स, इनके बारे में कहा जाता है कि दे स्टार्टेड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ट्राइबल कल्चर में ये इंटरफेरेंस करेंगे, इस वजह से ट्राइबल जो हैं वो इनके खिलाफ में रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए दिस रिवोल्ट वॉज लेड बाई बिरसा मुंडा, ठीक है, जिनका जन्म जो है 1874 में इनका जन्म हुआ था, इनका बर्थ जो है 1874 में हुआ था। और 1895 में कहा जाता है कि ही गॉट डिवाइन ऑर्डिनेंस, इनको क्या मिला? डिवाइन ऑर्डिनेंस, वेयर बाई ही वॉज आस्क्ड बाई ठाकुर जी टू स्टार्ट ए रिवोल्ट अगेंस्ट द डिकूज। इसका मतलब यह है कि गॉड और ठाकुर जी, ठीक है, आस्ट हिम टू रिवोल्ट अगेंस्ट डिकूज, जो भी आउटसाइडर्स हैं उनके खिलाफ में रिवोल्ट करने के लिए गॉड या ठाकुर जी जिन्हें हम कहते हैं, तो उन्होंने इनसे कहा। एंड ठाकुर जी ब्लेस्ड हिम विद सर्टन सुपर नेचुरल पावर्स, इनको कुछ शक्तियां दी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट
बिरसा मुंडा वेंट फ्रॉम होम टू होम एंड कलेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो एक घर से दूसरे घर तीसरे घर गए एंड ही कलेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड अदर पावर्स विच आर प्रेजेंट टू इंटरफेयर इन द ट्राइबल कल्चर. ठीक है, कलेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया. आफ्टर दैट रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड एंड द टर्म यूज फॉर रिवोल्ट, रिवोल्ट के लिए जो टर्म इन्होंने यूज की दैट वॉज उलगुलन. वाइल संथल यूज्ड हुल फॉर द रिवोल्ट, संथल ने जो रिवोल्ट के लिए टर्म यूज की थी तो वो थी हुल, और इन्होंने जो रिवोल्ट के लिए टर्म यूज की दैट वॉज उलगुलन, तो इन्होंने रिवोल्ट किया. और इसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा दैट मुंडाज दे फॉट विद ट्रेडिशनल वेपन्स, ट्रेडिशनल वेपन्स. ठीक है, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज के खिलाफ में लड़ेंगे ट्रेडिशनल वेपन्स में, वेपन्स से. एंड यू विल फाइंड दैट बिरसा मुंडा गॉट अरेस्टेड बाई द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड ही डाइड इन ब्रिटिश कैप्टिविटी. तो ब्रिटिश कैप्टिविटी में, यानी ब्रिटिशर्स ने जब इनको अरेस्ट कर दिया तो उन्हीं की कैप्टिविटी में, उन्हीं के ठीक है जेल में ही इनकी डेथ हो गई ड्यू टू इलनेस. और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मुंडाज का रिवोल्ट है दैट अल्टीमेटली केम टू एन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बिरसा मुंडा. बट आपको देखने को मिलेगा कि बिरसा मुंडा का नाम जो है इट बिकेम ए हाउस होल्ड नेम. ठीक है, काफी फेमस हो गए, लेजेंड बन गया इनका नेम. ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा दिस वॉज ए प्रोमिनेंट रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन द छोटा नागपुर रीजन एंड दिस रिवोल्ट स्टार्टेड इन 1899. ठीक है, और ये रिवोल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहा जाता है कि ठाकुर जी ने बिरसा मुंडा से कहा था कि आप ये रिवोल्ट स्टार्ट कीजिए एंड ही वॉज ब्लेस्ड विद सर्टन सुपर नेचुरल पावर्स, तो इनको कुछ शक्तियाँ दी गई, इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया. ट्रेडिशनल वेपन से वो लड़ेंगे, तो ट्रेडिशनल वेपन में आपको बो एरो ठीक है स्टिक वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो अल्टीमेटली ही वॉज अरेस्टेड बाई द ब्रिटिश अथॉरिटीज, अरेस्ट हो जाते हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के प्रिजन में ही, उनकी कैप्टिविटी में ही इनकी डेथ हो जाती है, रिवोल्ट खत्म हो जाता है. लेकिन बिरसा मुंडा का नाम जो है वो बहुत फेमस हो जाता है यहाँ से. आई होप गाइज ये वीडियोज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होंगी, आप ये वीडियोज देख रहे होंगे क्योंकि पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स पे हम एक एक करके वीडियोस बना रहे हैं. और बाकी भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल तरीके से हमने मेंशन किया हुआ है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स कहाँ पे देखने हैं. ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए हमने अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं. आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग, थैंक यू वेरी मच.